ऑलराइट गाइस, ये है ओप्पो का बिल्कुल ताजा ताजा लॉन्च हुआ ओप्पो A57 एंड लुक एट द डिजाइन। और आज का लगभग मैं बोलूं आपको ओप्पो रेनो 7 के बाद में जितने भी फोन हुए, एक चीज मुझ में कॉमन लगी है वो ये है कि बॉक्सर डिजाइन के साथ में फोन आने लगे हैं ओप्पो के। प्लस ओवरऑल जो एस्थेटिक है काफी प्रीमियम लगने लगा है। इवन अब ये चीज बजट रेंज में भी आ चुकी है। लेकिन ये तो हुई तारीफ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी टेस्टिंग में निकल के आई है इस फ़ोन के बारे में, पर्टिकुलरली जो कुछ चीज़ें अच्छी है कुछ चीज़ें बुरी है। सारी की सारी चीज़ें एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट प्रोज एंड कॉन्स में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि क्या ये फ़ोन लेने लायक है या नहीं। इसी के साथ में अगर हाँ या ना दोनों में ही कौन इसका एक्चुअल यूज़र है, सो यस डीप डाइव में सारी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले उससे पहले आप चैनल पे आए हो, वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज गाइस नीचे जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लेट्स जंप इनटू इट। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इसके एस्थेटिक की, डिजाइन की एंड डिस्प्ले की। सो लुक एट इट, ये जो है ग्लास दिखता है पीछे की तरफ से, जो बैक है यहाँ पे, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये नॉर्मल सा प्लास्टिक है, लेकिन हाँ ग्लास जैसा बिल्कुल फील यहाँ पे कराता है, शाइनी है। उसके बाद में जो है स्मूथनेस जो है वो काफ़ी है। उसके बाद में अगर मैं डिज़ाइन की ओवरऑल बात करूँ, सो यह बॉक्सी डिज़ाइन में है, प्लस यहाँ पे जो एजेस है वो थोड़ी से कर्वी है। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, और मैं हाथों हाथ आपको बता देता हूँ कि कितना फास्ट है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है लॉक, जिसको मैं कर लेता हूँ ओपन, एंड देन ये लॉक हो गया, बूम लॉक हो गया, बूम। सो या एक स्लाइट सा हल्का सा यहाँ पे डिले है, लेकिन स्टिल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर निकल के आता है। एंड देन ये चीज़ मुझे थोड़ी डिसअपॉइंट करती है लेफ्ट साइड में, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है और मालूम नहीं आपका है या नहीं, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम बटन्स पसंद नहीं आते, मुझे एक ही साइड पर तीनों बटन चाहिए होता है। अब मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा इशू है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये डील ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सारे लोग कंफर्टेबल है इसके साथ में। सो या डिस्प्ले की पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसमें दिया हुआ है 6.56 इंच का एक HD+ डिस्प्ले। अब पर्टिकुलरली डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा निकल गया है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ड्रॉबैक है और वो है इसका रिफ्रेश रेट। और टू बी ऑनेस्ट, एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो अभी कुछ तो आपको मालूम पड़ जाएगा, परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करने वाला हूँ। सो ये जो रिफ्रेश रेट है यहाँ पे 60Hz मिलेगी 14,000 के प्राइस पॉइंट पे, लेकिन एक चीज़ बहुत ही बढ़िया निकल के आ जाती है वो है इसकी ओवरऑल वीडियो क्वालिटी। थोड़ा सा फास्ट फील नहीं होगा फ़ोन, यस, लेकिन जो क्वालिटी है वीडियो की ओवरऑल वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आ जाएगी यहाँ पे। और जो लुक एट द व्यूइंग एंगल, ये मुझे यहाँ पे इसकी व्यूइंग एंगल काफ़ी पसंद आया, लेकिन वापस एक ड्रॉबैक यहाँ पे निकल के आ जाता है, वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ, वो ये कि जो हाईएस्ट क्वालिटी है यहाँ पे आप 1080p 60fps पे देख सकते हो, उससे ऊपर वीडियो की आप क्वालिटी नहीं इसको लेके जा सकते हो, बिकॉज ऑफ मीडियाटेक का G35 इस फोन के अंदर दिया हुआ है। और पर्टिकुलरली मैं परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करूँ, और अगर आपको मालूम हो कि जी सीरीज़ की 70 पर्टिकुलरली नंबर के नीचे के जितने भी प्रोसेसर्स हैं दे आर नॉट प्रिटी गुड एक्चुअली, और टू बी ऑनेस्ट बिलो एवरेज है। लेकिन इस फोन के साथ मालूम नहीं कैसे ऑप्टिमाइजेशन हो रखी है, और ये मल्टी कोर का स्कोर है 922, सिंगल कोर का हालांकि बेकार ही निकल के आया हुआ है, लेकिन ये स्कोर मल्टी कोर में निकाल के दिया है। और ओवरऑल G35 की ये परफॉर्मेंस पहली बार मुझे काफ़ी अच्छी लगी किसी फ़ोन के अंदर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये प्रोसेसर इतना हैवी नहीं है, अगर आप हैवी टास्क करने के लिए जाते हो, मैंने यहाँ पे ये प्ले स्टोर ओपन कर दिया, सो यस टाइम लग रहा है, एंड देन ये हो गया लोड धीरे धीरे, एंड देन मैं यहाँ पे डुओ खोल देता हूँ, सो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे हर चीज़ को प्रोसेस होने में लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोसेस नहीं होना चाहिए, या फिर G35 है जो इतना ही प्रोसेस करेगा, प्रॉब्लम ये है कि इसी प्राइस पॉइंट पे आज के टाइम पे हमारे पास में और अच्छे फ़ोन्स हैं अच्छे प्रोसेसर के साथ में, एंड ओवरऑल एक पूरा पैकेज लेके आते हैं। उसमें से मैं एक नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेडमी नोट 11, इन्फिनिक्स भी काफ़ी अच्छे फ़ोन निकाल रहा है, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले, सो या काफ़ी सारे फ़ोन हैं। लेकिन अभी मैं इस पर स्टिक हो जाता हूँ वापस से। सो कैमरा की पर्टिकुलरली बात करूँ, और ओप्पो का फ़ोन है, कैमरा अच्छा ना हो परफॉर्मेंस के मामले में जरूर थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पे, लेकिन कैमरा मैं आपको फोटोज़ बताता हूँ। सो या सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ फोटोज़ निकाल के देखे हैं,
ये इंडोर कंडीशन में है और यहाँ पर हमने जो HDR है ऑन करके रखा है, और इस केस में HDR ऑन नहीं है, और ये चीज़ आपको स्लाइटली यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे पूरा वाइट हो रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसने बैलेंस करने की कोशिश की है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ किया है, और क्वालिटी जो है ओवरऑल काफ़ी शानदार निकाल के दी है। एक एक बाल जो है मेरा दाढ़ी का यहाँ पे निकल के आ रहा है, और मैं नंबर यहाँ पे नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि फ्रंट कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड पीछे की साइड पे यहाँ दिया हुआ है 13+2। सो या आगे बढ़ते हैं फिर से, एंड देन ये नॉर्मल फोटो, ये कड़ी धूप के अंदर बिल्कुल पीछे की तरफ धूप सूरज निकला हुआ है, एंड मैंने HDR ऑन करके ये फोटो खींचा हुआ है यहाँ पे, और ये HDR ऑफ के अंदर खींचा हुआ, तो ज़्यादा फर्क नहीं है फ्रंट कैमरा में HDR ऑन ऑफ करने से। ये तो कड़ी धूप की बात हो गई, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैलेंस एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं करता है और अच्छे से परफॉर्म भी कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HDR ऑन है और पीछे की जो सारी लाइटिंग है काफ़ी अच्छे से, एक एक जो सूरज है एंड जो पत्तियाँ है सबको एकदम क्लियर, और मेरी स्किन को भी काफ़ी क्लियर, और लुक एट द हेयर्स, ओके, सो या क्लियर ले लिया काफ़ी। तो या ये एक पोर्ट्रेट फोटो, एंड लुक एट इट, जो एज डिटेक्शन है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे निकल के आया है, बहुत बढ़िया एज डिटेक्ट कर लिया है, और दूर से खींचा हुआ फोटो एक्चुअली। एंड देन ये एक और फोटो एज डिटेक्शन में, ये नॉर्मल फोटो काफ़ी तगड़ी निकल के आई है क्वालिटी वाइज, और डिसेंट है। सो या 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे पोर्ट्रेट कैमरा दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकल के आई हुई। ये एक थोड़ी सी लो लाइट के अंदर कह सकते हैं, वो काफ़ी मतलब शाइनी लाइट के अंदर मैंने लिया था, ये जस्ट अपोजिट साइड में लिया है, तो यहाँ पे भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आई हुई है। सो यस, कैमरा के मामले में हमेशा से ओप्पो और वीवो के फ़ोन अच्छे रहिए, इनकेस थोड़ा सा परफॉर्मेंस के मामले में पीछे रह जाते हैं, लेकिन कैमराज के मामले में हमेशा बहुत बढ़िया निकल के आता है। देन बैटरी की मैं बात कर लेता हूँ, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और मैं बॉक्स कंटेंट आपको बता देता हूँ फटाफट। सो ये है इसका बॉक्स ओप्पो A57 का, क्या क्या मिल जाता है बॉक्स के अंदर। सो सबसे पहले ये है हमारे पास में एक ओप्पो की ब्रांडिंग वाला केस, इसके अंदर जो है हमको मिला था क्या मिला था यस, और हमने घुमा दिया उसको, और यस ये रहा। सो यहाँ पे हमारा एक कवर, और उसके साथ में मिलता है नॉर्मल TPU केस, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, और एक 33 वॉट का वूक चार्जर, और यहाँ पे हमें मिल जाता है Type-C का केबल, नथिंग एल्स। और इससे चार्ज करने में कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो हमको टेस्टिंग के फ्रेजेस मिले हैं वो है लगभग 1 घंटे से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट एंड 1.5 घंटे तक लग जाता है। इवन तो 33 वॉट का कंपनी क्लेम करती है कि विद इन 1 आवर चार्ज हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ट्रू नहीं है, ऑन ग्राउंड जब चार्ज करते हैं बहुत सारी कंडीशन है, धूप हो अभी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है, एनवायरमेंट सही हो उनके क्या है कि जब वो टेस्ट करते हैं तो काफ़ी सही एनवायरमेंट में उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। सो या थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। एंड इसके बाद में मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करूँ एंड्रॉयड की, तो यस अगर मैं यहाँ पे अबाउट फोन में जाऊँ और आप दिखाऊँ मैं आपको, सो या यहाँ पे कलर वॉइस 12 मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर मैं जाऊँ यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन में, सो यस बढ़िया वाला एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स जो है मिल जाता है। रैम की बात करूँ तो LPDDR4X विद इज ऑल्सो गुड, लेकिन UFS स्टोरेज की बात करूँ तो eMMC 5.1 इसके अंदर दिया हुआ, विच इज नॉट गुड एट दिस प्राइस पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। सो या बॉडी का टाइम हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। सो या सिंपल से मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको कैमरा चाहिए फ़ोन के अंदर तो एक बार के लिए इसे कंसीडर किया जा सकता है, डिसेंट कैमरा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, एडिटिंग भी होती है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस से काम आता है। तो या मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी एडिटिंग वाला पोर्शन रहता है, और मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। सो या कैमरा के लिए लेना है तो एक बार के लिए एक डिसेंट डिवाइस है, लेकिन मार्केट में अभी भी इससे अच्छे डिवाइसेस है, जैसे कि Redmi Note 11 है, Infinix के Hot 12 Play में, एंड देन Note 12 है, उसकी स्पेक्स मुझे अच्छे लगे पर्टिकुलरली, पर मैं कह देता हूँ मैंने उस फोन को अभी तक टेस्ट मैंने खुद से नहीं किया है। सो इतना ही था इस वीडियो में गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको एक क्वेश्चन या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कर सकते हो, और आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए गुड बाय।